मान रही हूँ, मोहतरम जनाब ने सदर राशिद खान कुरैशी साहब, मोहतरम मान जनाब का फरजाना इकबाल साहिबा, जनाब जियाउद्दीन साहब सेक्रेटरी गंदारा इनको बोर्ड, जनाब प्रोफेसर मलिक दाऊद साहब, जनाब बरादर मोहतरम जनाब पर प्रोफेसर बशीर अहमद सो साहब, डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, याया खालिद साहब, प्रोफेसर याया खालिद साहब, असा बोले थे चूंकि मेरे फील्ड में भी कुछ सितारे आए हैं, जुल्फिकार कुरैशी साहब साढ़े तहसील के मेंबर ने, सदाकत जमान नबासी साहब साढ़े तहसील काउंसिल के मेंबर ने, सिकंदर याद खान साहब साढ़े जिला काउंसिल के मेंबर ने, प्रोफेसर खालिद काला खान साहब साढ़े सबका एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, सदीक मंदर साहब ने शायर ने, और तमाम मोहतरम ख्वातीन हज़रात, मैं जाती तौर पर बेहद मशहूर हाँ राशिद लाले का कि राशिद लाले अचानक 16 तारीख हाँ मेरे को तशरीफा भी कितने बड़े काफ़ी अरसे बाद मैं आखिर कोई तरीके साफ चूंकि लाले का तालक बड़ा पुराना सी नाल रहे हैं तो मैं आखिर शायद कोई सियासी गल करने आए ने अपने तरीके साफ ना तलक रख देते उन्हें आखिर नहीं है कुछ सियासी गल ना करते अज अपने तहजीब का दौर करने आए हैं कि इनको कॉन्फ्रेंस भी होती है तो उसे हिस्सा भी गिन से वक्त भी दे से और नाल भी टूट से आखिर जी इसको लोग बड़ी फखर की यह गल हो गई है कि इतने सारे लोग जो मेरिया भैन मेरे भा बैठे थे जिड़े भी इस सूबे सारे सूबे साढ़े साढ़ा घर है पर थोड़ा जा जिस जैसी लोग मजोरिटी जी पश्तो जबान है वह किशोर उन्हें तालीमी इदारे ज्यादा है वह तजुर्बा असर सारे किया हुआ तो यह मेरे को ज्यादा कोई भी नहीं सहता मैं जमया ही पेशावर मैं सारा स्कूल और कॉलेज पेशावर किया है और अपनी शनाख्त अपनी जबान इसका प्यार मोहब्बत जड़ा है वह उठे रह के ज्यादा हुआ फिर जो असं निके होव छुट्टिया पर आव अपने ग्रां आवरीपुर आव तो इतने हर पास एक हो जी उ साढ़े घर ही होती है तो एक लगाओ एक मोहब्बत है वरना उर्दू हो गया पश्तो हो गया या चूंकि जरूरत हुई तो अंग्रेजी हो गया लेकिन मैं समझना मैं 80% सुनी इनको बोलना 80% मेरे साथ ही ख्याल है उसकी तो ना बोलना जितनी होगी काम में छोड़ दो समझ जाने सुनी इनको बोल के और उनके माउथ में भी बज जाए यमी भी बज जाए तो फिर सवाल मेरे जहन में होता है कि 80 लोग शायद दो चीजें जरूर तकसीम है कि नवा मुल्क गया उसका इकट्ठा करना आया लिहाजा जोर लीडर्स का जो आया क्यादत का आया वो उर्दू से जरा उर्दू बोलो सारे तुसा सारे की जबान फिर बिच बिच हल्का हल्का जहां जहां बड़े होते गए तो मादरी जबान की गल भी आती गई जरा अपनी जबान जी वह भी बड़ी जरूरी होती है और आपकी शनाख्त होती है मैं नोट करना शुरू किया कि वाकई पंजाबी इलीट और इनको इलीट ये उर्दू पसंद करते हैं मैं आखिर ठीक है साड़ी कौमी जबान है बहुत भी कदम इस गल तो ढकिया नहीं लेकिन मां एक बार साढ़े मेरे वाल साहब के दोस्त ने बड़ी बड़ी हस्ती है हरिपुरे की अशरफ खान करीम साहब क्योंकि वह भी सारे पेशावर यूनिवर्सिटी के पढ़े थे तो मैं उन्हें एक दिन पूछा वो दसने लगे यूनिवर्सिटी है हजारे दे थे उधर साढ़े खाना दे मरदान चल सदे वाले पिशोर के ग्राम थकाल लड़ाइया झगड़े होते रहते उसने और वो एक होते इको दे सिर तो ही दसते ने एक दड़े हुए उपा के स्पीकर भी बने
जब गनी साहब याद है ना एक सारे जिसले लड़ाई हुई जान सर वो ज्यादा है ऐसी थोड़े हैं लेकिन ऐसा कुछ हॉकियां ही हैं तो लड़ाई ऐसी खेल के बाद सारे संगी बन गए तो मैं उस आप पूछे आए था तो लाखान इधर तो लाचम गनी कह रहे तू सास ना कैसे थे क्या गा देखिए आखिर सेरा गले में कि ऐसी जो तो निकलने क्यों नहीं है बाहुकुल ते माँ दी यही कि एक उबुद हुई पानी सरके दादला देखा है जी कदे पानी पश्तो इस उबो पानी आ ते अखे पानी है जी कदे पानी आके बटे तले सिर रहा है मेरा ख्याल है वो फिर मैं दस्या ने आप देने जिसले सिख मूवमेंट चली है ते वो सिद्धि अफगानिस्तान काबुल तक पहुंची है और इस सारे इलाके स्वाबी इस सारा टेक ओवर है और शदीद जंगा होनी और शदीद नफरत थी उस पंजाबी ते उस का शिकार फिर मेरे ख्याल है इनको भी बनी और वो कॉम्प्लेक्स जरूर आया उसी पंजाबी का ते उस पंजाबी के कॉम्प्लेक्स की वजह तो मेरा ख्याल है इनको भी शिकार हो गई है पर मैं फिर नवी शायद देखी 15-16-17 साल पहले मेरा कजन एक सेनेटर का जकी वो अमेरिका चला गया माइग्रेट कर गया ते उस दिन बच्चे ने के आए छोटे छोटे आग नहीं आया बच्ची ने पुत्र पे भेज आज तो 7-8 साल पहले ते मैं उसने बच्चियां इंग्लिश उर्दू इस गाल करने लगी ते बिल्कुल इंग्लिश से जवाब दे उर्दू दा नहीं आता ते मां फिर पैड़ा दस है कि इनको बोल दिया ये सभी सिखा बोलो नहीं भी थी थी। उसा फखर है और चंद आया कि इनको बोल ऐसे ही मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं मैं 10 साल रहा असेंबली एज मेरे क्लासमेट्स ने जितने भी लोग दोस्त ने ऑफिसर्स ने वो फखर कर देने आते पश्तो बोले वो आपने गलत तलफ़ुज़ उते फखर कर दिया और उन्होंने असा कदे भी नहीं डकया कि तुसी आपने इनको तो फखर ना करो लेकिन असा मुसीबत है कि इनको ना है ते प्यार है पर ये जिहड़े लोग स्टेज ते मेरी भैण समेत बैठे थे या कुछ लोग इत्थे बैठे थे इन्हें पीछे मैं कुछ भी नजर नहीं आता जी ये ना हो स्टेज तो गायब हो तो फिर उर्दू की शायरी उर्दू का प्यार उर्दू की लिखाड़ी जितना भी है ये पीछे रह जाए लिहाजा इस वास्ते मैं समझना कि एक मैं और वाक्य भी सुना दसो जिसले एएनपी की गवर्नमेंट आई मैं उस नाल शामिल हो गया मैं मिनिस्टर है ते कैबिनेट विच मादरी जुबान उते बहुत जोर है एएनपी ते एक गल शुरू होती जी ते मादरी जुबान तुसा दी होर है मेरी होर है चतराली दी होर है उना के नहीं जिस दी मादरी जुबान पश्तो है उस दी मादरी जुबान दी गल करने जिस दी इनको है उस दी इनको गल के ने के जी बुनियादी तालीम प्राइमरी जड़ी हो बच्चा मादरी जुबान च पढ़े रिसर्च ना दसया ने कि वो बच्चा ज्यादा जल्दी सीखता जेड़ा मादरी जुबान च समझाया जाए खैर एक अलग डिबेट है थे मेरे ख्याल एकेडमिया के लोग बैठे थे ने एजुकेशनिस्ट बैठे थे उस गल पर मां जेड़ा गल पता लगी कैबिनेट मीटिंग है कि जी इनको दा कायदा नहीं इनको दा कायदा नहीं है और इस हफ्ते इसमें बड़ा टाइम लगेगा कि किताबा बड़ा तो फिर मैं कुछ जेड़े लोग चूंकि इनको ये गद्दारा जेड़े ने ये मां रابطہ मेरा ना प्यार मोहब्बत ही मैं पिया एएनपी तो वजीर है पर इना पता है इनको इनकी है फिर मैं बुलाया ने फिर मैं बशीर भाजी का नाम ही देता मैं इन्हों का सारे के भी दसिया तो उन्होंने फिर मेरा ख्याल इन्हों रबते हो गए उसमें मैं चूंकि अट को 6 साल पुरानी गल पा करता उस तो बाद जरूर डिवेलपमेंट हो गई उसका मतलब यह है कि इस उत्ते उस तरह फोकस नहीं होया उस तरह डिवेलप नहीं की मैं हैरानगी इस वास्ते हुई कि राशिद लाला जिस पोजिशन में चुन बैठे थे राशिद लाले ने शायरी ना मेरा जिधर ज़्यादा लगाव हो या है वो राशिद लाला की इनको दी एक नज़र ते वो अगर तुसी कोई खुशकिस्मत हो ना किसी किताब में चाहे तो तुसा ते पेट में मरोड पैदल लोड जग दे वो लाला गधे तुसा आगे पढ़ के लोड ते मैं सोचना है कि वो नज़मा इनको इस लिखी थी फिर असल में किस तरीके से साड़ा कायदा नहीं ते वो इंशाल्लाह ताला मैं यकीन है जिस से कायदा पढ़ गया ते ये मेरे असल लोग आज नहीं है मसला ਕਿ ਕਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਗਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਸਰ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਸਰ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਸਰ
डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन चूंकि असा थोड़ा जा दूर पैदा है, पशोर दूर पैदा है, डिमांड है कि साड़ा अपना सुबह हो, कि जिसले हालात अच्छे हो सुनो सुबह हो गए, तो फिर उस सुबह आस्ते जरूरी है कि साड़ा कल्चर भी स्ट्रक्चर दो, साड़ी हर गल इस तरह की हो, नहीं कि बस जाके तेरा फलाना महकमा तुसा चाहते हो तो फलाना, इस तरह तकसीम नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और बाकायदा असं भी इस कल्चर इकट्ठा साड़ी जबान करो, इस जबान की जिस तरक्की हो सी तो मेरा ख्याल है असं ज्यादा करीब आसा, असं ज्यादा बेहतर तरीके से आप उस डिमांड भी पूरा करा सकते। इनको जिम्मेवारी चाहने से तैयार है, लेकिन तन मन धन ना तो सुना लो जिते दसो जो आसो जानी मालिक तो मेरे एक भरा ने नासिर दाऊद साहब आपने ने एक किताब लिखने है कमेटी बनाने सारे की तारीख लिखने हैं, लेकिन तारीखा मसला यह होता है कि हर कोई अपनी शनाख्त चाहता है, मैं सोच गलत ना मैं जितना मैं पता है मैं वालदैन ने कदे एक कॉम्प्लेक्स नहीं दिता मैं किशोर पढ़ते हो कि तू किसी को काटे हैं तू इनको है तू अबान है कोई यूसुफजई है कोई बमंद है कोई अफरीदी है मैं कदे नहीं मैं माओ ने कदे भी नहीं आख्या कि तू यह असा को सुपीरियर नहीं या कोई किसी को काटे लिहाजा मैं सारे इंसान बराबर और मैं उस गलत ज्यादा जुड़ना 110% में जुड़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुद तो बड़ा फोकस नाल दसया गया कि सारे बराबर ते उस गला जिसले मैं मद्दे नजर रखना तो फिर मैं समझना कि असा सारे इस चीज का ख्याल भी करना चाहिए कि असी आपस में कम अज कम जोड़े हैं वह जो सा शनाख्त ने साड़ी जबान शनाख्त है साड़ी तहजीब शनाख्त है कि असी आपस में जोड़े के मामला बिल्कुल ठीक रहा और इस जो साचर है इसकी डिवेलपमेंट असी रोल अदा करा तो उस वास्ते तुम जो भी इच्छा लगा एक करसो हूँ इतने बारह किताबा ने लेकिन मैं तुसा की इजाजत है चूंकि मैं एफ्टबाद जो मैं दोपहर तो मेजर साहब की बेटी की शादी है फिर मैं वापस आने त्रै बजे जनाजे यहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा मैं जरूर जो सर मैं एक सारी किताबों की एक कॉपी मैं खरीद सा मैं ना आपका मौके पर कहूँ मैं जरूर खरीद के रखना चाहता और मैं ये भी उम्मीद है कि